नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भोगांव ग्राम नरसिंहपुर के दर्जनों किसानों ने तहसील में प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर फसल को बचाने की गुहार लगाई। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर किसानों की हर संभव मदद करने तथा समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। मंगलवार को ग्राम प्रधान नरसिंहपुर सत्येश कुमार के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसान तहसील पहुंचे और उन्होंने नगर पंचायत भोगांव का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान ने एसडीएम संध्या शर्मा को गांव की समस्या का एक ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि नगर पंचायत का एक बड़ा नाला उनके गांव से होकर आगे तक जाता है। नाले में आने वाले पानी से कई वर्षों से सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो जाते हैं और किसानों को लाखों रुपए कीमत का नुकसान उठाना पड़ता है। बीते 2 दिनों से होने वाली बरसात का पानी इसी नाले से होकर गाँव के सैकड़ों बीघा गेहूँ की फसल में भर गया है। पानी भरने से गेहूं की फसल चौपट होने की कगार पर पहुंच गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने नाले की सफाई कर पानी निकासी का नहर विभाग से इंतजाम कराए जाने की गुहार लगाई। एसडीएम संध्या शर्मा ने किसानों की मदद किए जाने का भरोसा दिया। इस मौके पर करण सिंह, मनोज कुमार, सुभाष चंद्र, राम विलास, सलीम, ओम प्रकाश, सत्येंद्र, गुलाब सिंह आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से प्रदीप सैनी की खास रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।